नमस्कार प्रियास किचन आपन समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज आम या चटपट आंब आचार आपण एक बर्ष बर्ष धरिकी स्टोर करके रखिपारे खाली बर्ष बर्ष नुहे जपर्त आप आचार सरी से आचार बिलकुल भी खराब हेनी एवं तो आंबर सीजन चलती आपने निश्चय आंब आचार को याद आशा करेसीपीटी आपण पसंद आसव पसंद आसे प्लीज भिडियोटी को लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे चैनल जी आपुआ अच्छा तेज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने आ पाखरे छोटे बेल आइकन ऑल ऑप्शन क्लिक करेंगे जहाँ मो पट को मो समस्त वीडियो नोटिफिकेशन्स आपन सर्वप्रथमे पाई परिबे तबे चालन तो डेन करी आज रेसिपी को स्टार्ट करिबा। यही आंब आचार को तैयारी मुझे देढ़ के जी आंब नहीं आंब को जिते बड़े भी ने फ्रेश ने आंब को मुझे धोखी भल भाव पोचिकी ये भाव में बड़ बड़ खंड करेंगे गोटे बड़ चामच हलदी गुंड को देदे आ सहित गोटे बड़ चामच लुण देदे आचार टी अधिक लुण पड़ थाए ये सब जिनस को भल भाव में मिसई ने मुझे आपको राति में बनाऊँगी से राति जाक छाड़देवी लुण हलदी में गोल कि काली मर्निंग आपको सुखेबी ये देखूँ गोटे राति लुण हलदी गोल रखी नहीं आणिक खरारे सुखाऊँ लुण पकला से पा बाहर थाए से पा को फोपाड़े एमती खरारे लगातार दुई दिन खंडे सुखेबा जहाद्वारा आंब भितर को लुण हलदी भल भाव भेदि पारे से पा को फोपाड़देवे दुई दिन पर खरा जोर से होता से दुई दिन खंडे सुखेबी आपण आपको देखिकी जदि खराब कम हो तेबे चार दिन खंडे या सुखेबे दुई दिन पर देखो मुझे गोटे मिक्सिंग जार आती गोटे कप मेजरिंग जदि कह 100 ग्राम हम कला सोरस को दौर मिक्सिंग जार जिते बड़े देते ध्यान रखिए मिक्सिंग जार ओदा नहीं दरकार एवं से पा कि भी नदे कि भल भाव में पालिश करके गुंड करके नहीं आसवा ये आप देखिपे मुझे भल भाव में गुंड करके पूरा पालिश करके ग्राइंड कर नी गुंड सोरस को आम आंबुरे दे अधिक दिन जदि आंब को सुखेदेवे से एकदम सुखीगले से सोरस गुंड देलापर सी आती भेदी पारे से दुई दिन सुखेदेला लुण पाटा आंबर पूरा सुखीगला फोपाड़ देते से पाटा जो सुखिजर से आम सोरस गुंड को देदे आल भाव या मिसई ने गोटे दिन खंडे आंब को सुखला से लुण हलदी पा को फोपाड़ देते फोपाड़ापर ताक आउ गोटे दिन एम सुखे से पूरा से पा सुखीगला सोरस गुंड को देते ये मो हाथ में या मिक्स करुच्ची हाथ में मिक्स करने द्वारा सोरस गुंड भल भाव में पूरा आंबे मिसी पार आपन चाहिए पिठा पाती है बड़ चामच में मिसई पारे एवं देखो या मुझे भल भाव में पूरा मिसई नहीं चलत पुणी थे या खरा को लेकिन जावा ये देखो सोरस गुंड को आंबे गोल खरा को नहीं आसली एवं आपको चार दिन जाए एमती खरारे सुखाप छाड़देव जिते खरा अधिक खाइब आचार आम अधिक दिन पर्यटन खराब हेनी चार दिन पर आचार पर गोटे मसलाटे रेडी से गैस अन करके गोटे फ्राए पैन बसई नहीं से गोटे बड़ चामच पान मधुरी आसत आचार आम टे राग राग लगेगा से 10-12 आवा शुखला लंका को दौर निज हिसाब से लंका एड करेंगे एवं से गोटे बड़ चामच कोटा जीरा को देदे आ फ्लेम को आम पूरा लोरे रखा लोरे रखिकी सबको आम एम शुखला भाजवा तो मन रखिए के फ्लेम को हाई करें ना सब जिन टे पोड़ पिता स्मेल आसो आप लो फ्लेम रखिके सब जिनस को शुखला एमती रोस्ट करेंगे तो यह सब टिके जिते बड़े भाजी आसवा आम से आड कर गोटे छोट चामच कला जीरा आ गोटे बड़ चामच ये मेथी आड करुच्ची कला जीरा और मेथी को मुझे पचरे एड कली जदि आम प्रथम आड करवा तार गोटे पिता टेस्ट आसिक भाजी कले तो से आप सब चेष्टा करेंगे कला जीरा और मेथी को पचरे देखिए भाजवापी तो आगे हाल्का भाजी ने जिते बड़े गोटे बास्ना आसो से मसलू से आम गैस फ्लेम को बंद करने आंडा छाड़दे तो थंडा होगा देखो मुझे मिक्सिंग जारे सब गोटा मसला को देदे एवं चलत या ग्राइंड करके आने देखो या मुझे ग्राइंड करके आनी सैड रखा ये देखो चार दिन पर आंबे सोरस को देखिए सुखला से आंब टे सुखला टी मचर फ्री जा आम ये जो गुंड मसला को बनैले देदे मन रखिए अधिक या जमा हेल्ले भी सुखेदेवेनि अधिक सुखीगले गुंड मसला भितर को भल भाव में भेदि पारनी तो मसला गुंड को दे सारे कि भल कलर पर गोटे छोट चामच देदे काश्मीरी लंका गुंड एग कम होगा सहित बहुत सुंदर कलर दे था तो ये मसला और आंब को भल भाव आम मिसी ने आगर मो चेल मीठा आंब आचार केमी इनस्टांटली बन पारे तार भिड अपलोड हो सारी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देदेवि आपठी जाए चेक करें एवं मुझे भल भाव में मिसई नहीं चलता आम मेन स्टेप को जी
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ 250 ml ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। 1.5 kg ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଏଇଠି 250 ml ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ହାଇ କରିଦେବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତେଲକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ମସଲା କଳା ଆମ୍ବରେ ତେଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ତେଲକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭିନେଗାର ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବା, ବିଲକୁଲ ବି ସେ ଖରାପ ହେବନି। ତ ତେଲ ଆଉ ଭିନେଗାରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବକୁ ଚାଖିବେ, ଯଦି ଲୁଣ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ, ଲଙ୍କା ବି ଯଦି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚାରରେ ଯଦି ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁକା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ମସଲା ଆଚାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି, ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଚର ଜାର୍ ଥିବ ତେବେ ସେଥିରେ ରଖିପାରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ରଖୁଛି। ସବୁ ଆଚାରକୁ ଡବାରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ତେଲ ମସଲା ଆଚାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଚାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଗୋଟେ ରାତି ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଖରାକୁ ଆଚାରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଲଗାତାର 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ଖରାରେ ରଖିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଖାଲି ତାକୁ ଏମିତି ଉପର ତଳ କରିନେଉଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କରିବେ। ସେମିତି ରଖିକି ଶୁଖାଇ ପାରିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଡବାକୁ ଏମିତି ତଳେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଚାର ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଗିବ। ଏଇଠି 4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି ଆଉ ଆମ୍ବ ବି ନରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖରା ନଥିବ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆଚାରକୁ ଶୁଖାଇବା ସମୟରେ ଆଚାରକୁ ଏଭଳି ଡବାରେ ରଖିକି କିମ୍ବା କାଚ ଜାର୍ରେ ରଖିକି ଶୁଖାଇବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ା ରଖିନେବା ଆଚାର ଉପରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଚାର ଭିତରକୁ ଧୂଳିମଳି ଯିବନି। ଯେଉଁ ଡବା ବା କାଚ ଜାର୍ରେ ଏହାକୁ ରଖିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କପଡ଼ା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବେ, ଯେମିତିକି ଆଚାର ରଖିବା କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ରହିବନି। ଯଦି ଟିକେ ବି ପାଣି ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଆଚାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଖରାରେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ନେବେ, ଆଚାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିବ, ଜମା ବି ଖରାପ ହେବନି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଥିବା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରି ଏହି ଚଟପଟ ଆଚାର ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ମୋ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।